हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक। इस लुक को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इजी है, इवन बिगिनर्स भी इस लुक को बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो चलिए देखते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। एंड अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टोनर के लिए यहाँ पे लूँगी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर काफ़ी अच्छा टोनर का वर्क करता है। एंड इसके बाद मैं फेस लोशन ले रही हूँ लैक्टो कैलामाइन का, काफ़ी अच्छा मुझे पर्सनली लगता है, सो मैंने ये यूज़ किया है यहाँ पे। एंड इसके बाद मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लो परफेक्ट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने इसको अच्छे से अपने फेस एंड नेक पे, जहाँ जहाँ पे आपको मेकअप अप्लाई करना है आपको वहाँ पे अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर लेना है। इसके बाद मैं ओलिविया का मेकअप स्टिक एज अ फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। एंड इसको मैंने अच्छे से ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लिया था, अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर दिया था लिप बाम लगा के। एंड इसके बाद मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ एंड वही बे का कंसीलर। काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, क्रीमी सॉफ्ट बटरी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। एंड उसके बाद मैं इसको लैक्मे परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर दूंगी यहाँ पे। एंड इसके बाद मैं अपने आई लिड्स पे सेम कंसीलर को अप्लाई करूँगी, अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी जो कि मैंने ऑफ कैमरा किया है। एंड इसके बाद मैं अच्छे से अपने आई लिड्स के कंसीलर को ब्लेंड करूँगी एंड उसको सेट कर दूँगी पाउडर की हेल्प से। आप कोई भी अपना पसंद का पाउडर यूज़ करके अपने मेकअप को सेट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं अपना फेवरेट वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट लूँगी एंड मैं इसमें से ये ट्रांजिशन शेड लेके यूज़ करूँगी अपने आईज़ पे। एंड इसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन कलर लेके अपनी क्रीज पे एंड अपने आउटर वी पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी एंड अच्छे से इसको अप्लाई कर दूँगी एंड ब्लेंड कर दूँगी बहुत अच्छे से, लाइक सो। एंड इसके बाद मैं ये ग्लिटरी आई शेडो, मेटेलिक आई शेडो है लिक्विड स्विस ब्यूटी का। सो इस तरह के आई शेडोज बहुत अच्छा लुक दे देते हैं आपके आई मेकअप को बिना ज़्यादा मेहनत किए। सो मैं इसको अपने पूरे लिड्स पे अप्लाई करूँगी। आप अपने पसंद का कोई भी इसका शेड ले सकते हो। सो मैं इसको अच्छे से अपने दोनों लिड्स पे अप्लाई कर दूँगी। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगता है ये आई शेडो। एंड इसके बाद मैं अपने ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर उसको हाईलाइट कर लूँगी। एंड काजल मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे L18 का काजल। इसको मैं अपने अपर एंड लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अपने आई लैशेज को कर्ल करूँगी आई लैश कर्लर की हेल्प से। एंड मस्कारा अप्लाई करूँगी, मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा है मेरे पास, मैं ये यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं अपने लोअर लैशेस के काजल को थोड़ा स्मोक आउट करूँगी, अपना जो मैंने ट्रांजिशन शेड यूज़ किया था वो लेके। एंड इसके बाद जो मैंने ब्राउन कलर अपनी क्रीज पे अप्लाई किया था, जो ब्राउन कलर मैंने, उससे मैं अपने लोअर वाटर लाइन लोअर लैश लाइन को स्मज आउट करूँगी, स्मोक आउट करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा फेस मेकअप के लिए ब्लश वगैरह यूज़ नहीं कर रही, मैं यहाँ पे शिवाना का शिमर ब्रिक यूज़ कर रही हूँ। एंड इसमें से मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स लेके अपना थोड़ा फेस मेकअप किया है एंड हाईलाइट किया है सेम शिवाना के शिमर ब्रिक्स में से अपने पूरे फेस को, मतलब जहाँ जहाँ पे हमें हाईलाइटिंग की ज़रूरत होती है उन एरियाज़ को। एंड इसके बाद मैंने ये लिक्विड लिपस्टिक यूज़ किया है मैट, एंड ये है मेरा फाइनल लुक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इंटरेस्टिंग लगा हो वीडियो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई सजेशन या कोई मेरी जो भी मैंने मिस्टेक वगैरह कुछ करी होती है वीडियो में, कोई भी सजेशन आपको देना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड चलिए ये था मेरा आज का वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।